नमस्कार दोस्तों, भूल से भी ना लगाएं घर में और घर के सामने या पौधे अगर लगे हुए हैं तो तुरंत हटाएं, वरना हो जाओगे कंगाल। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति और मनुष्य का बड़ा ही अटूट रिश्ता होता है। पेड़ पौधे वो होते हैं जो हमें जीवन देते हैं, प्राणवायु देते हैं और साथ ही सबसे जरूरी ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में जीवित हैं। इसलिए पौधे एक माँ के समान हमारे लिए लाभकारी होते हैं। दोस्तों, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पौधे घर में सुख, शांति और तरक्की बनाए रखते हैं। घर में भाईचारा और प्रेम बना रहता है। मगर दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि आपके घर का सारा वातावरण अचानक ग्रह कलेश में परिवर्तित हो जाता है। घर में सभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और घर में उसी के साथ बीमारियां आ जाती हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इन सब का? हम आपको बता दें कि ये सब होता है किसी नकारात्मक एनर्जी के कारण। जो आती है घर में कुछ नकारात्मक एनर्जी देने वाले पौधे के कारण। जी हाँ दोस्तों, कई पौधे नकारात्मक एनर्जी देते हैं। जो नकारात्मक एनर्जी अपने आसपास रहने वाले लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करती है और उनके जीवन में नकारात्मकता लेकर आती है। इसलिए दोस्तों, भूल से भी ना लगाएं अपने घर में और घर के आसपास इसे पौधे जो कि नकारात्मक एनर्जी देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कई ऐसे ही नकारात्मक पौधों के बारे में बताएंगे जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, औषधि युक्त होते हैं, मगर ये घर के अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं कि आप बर्बाद तक हो सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, पहला है कांटेदार पौधे। जी हाँ दोस्तों, आपको भूल से भी घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। ये कांटेदार पौधे अशुभ होते हैं जो कि स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर करते हैं। और ये पौधे आपने घर में लगाए हों तो ये पौधे बिना वजह आपके घर में वाद विवाद पैदा कर देते हैं। इससे घर में सभी सदस्यों का आपस में मनमुटाव बना रहता है। इन पौधे को घर के अंदर तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे पौधे को घर में लगाने से माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती और आपके ऊपर जीवन भर के लिए आर्थिक तंगी आ जाती है। इसलिए घर में और घर के आसपास भूल कर भी ना लगाएं कांटेदार पौधे को। दूसरा है दोस्तों, बोनसाई पौधे, जो कि आजकल बहुत प्रचलन में हैं। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, आजकल फैशन और समृद्धि का प्रतीक बने हुए हैं ये बोनसाई पौधे। मगर आपको बता दें कि ये पौधे अत्यंत नकारात्मक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये पौधे इससे घर में आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं और लोगों में आपसी कलह पैदा हो जाती है। तीसरा है दोस्तों, दूध वाले पौधे। जी हाँ दोस्तों, दूध वाले पौधे, आपको बता दें कि ये जो दूध वाले पौधों में से जो दूध निकलता वो दूध नहीं, जहर होता है। इसलिए इन्हें जहर वाला पौधा भी बोला जाता है। ये पौधा आपके घर की सुख शांति को खत्म कर देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन पौधे पर श्रापित अप्सराओं का वास होता है। इसे पौधे जिनके घरों में लगे होते हैं उनके बच्चों का पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता। इसलिए दूध वाल पौधे को कभी घर में ना लगाएं। चौथा है दोस्तों, बबूल का पौधा। दोस्तों, बबूल का पौधा वैसे तो एक औषधीय पौधा होता है, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी अगर ये पौधा आपके घर में लगा होता है तो इसे अपने घर से जल्द ही हटा दें, क्योंकि यह पौधा बहुत ज्यादा अशुभ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके अंदर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत होती हैं। इसलिए इसे सिर्फ जंगल में ही लगाया जाता है, घर में और घर के आसपास नहीं। पांचवा है दोस्तों, बेर का पेड़। जी हाँ दोस्तों, बेर का पेड़ बहुत ही ज्यादा नकारात्मक पेड़ होता है।
इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। इस पौधे को भूल से भी घर के सामने और घर में ना लगाएं। यदि लगा हो तो इसे तुरंत हटा दें, ऐसा कहा जाता है कि यह पौधा अगर घर के सामने भी लगा हो तो घर के मुख्य सदस्य को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है और उसे व्यापार में हानि ही होती है। इससे परिवार के सदस्य हमेशा परेशान रहते हैं और उनमें आपस में पैसों को लेकर अनबन बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, इस पौधे को जल्द से जल्द घर से या घर के सामने से हटाएं। छठा है दोस्तों, खजूर का पेड़। दोस्तों, वास्तु की माने तो खजूर का पेड़ जहां भी लगता है वहां धन कभी भी नहीं टिकता और अनिश्चित कारण से ही धन का खर्चा आपके घर में बढ़ जाता है। और दोस्तों, जिस तरह खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा रहता है, इसी प्रकार से ही आपके घर में विपत्तियां भी बढ़ती जाती हैं। इसलिए भूल से भी कभी खजूर का पेड़ घर के सामने ना लगाएं। सातवां है दोस्तों, इमली का पेड़। दोस्तों, आपने बचपन से ही सुना होगा कि इमली के पेड़ में नकारात्मक आसुरी शक्तियों का वास होता है। यह वृक्ष कभी भी भूल से भी घर के सामने ना लगा हो। यदि लगा हो तो दोस्तों इसे तुरंत ही कटवा दें, क्योंकि दोस्तों इसके घर के आसपास लगे होने से भी घर के सदस्यों की तरक्की कभी नहीं हो सकती और इसके लगे होने से घर के लोग हमेशा बीमार बने रहते हैं। यह पौधा आपके घर में दरिद्रता लाता है। इससे आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है और इसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। साथ ही दोस्तों, बांस का पेड़ भी कभी घर में नहीं लगाना चाहिए और ना ही घर के आसपास, क्योंकि इस पेड़ में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इस पेड़ को बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। यह पेड़ जहाँ होता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती और घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, घर में हमेशा कलेश बनी रहती है। मगर दोस्तों, बांस का छोटा पौधा अगर आप पानी में लगाकर घर में उत्तर दिशा में रखते हैं तो फेंग शुई के अनुसार ये शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ पौधे जो आपके घर में नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकते हैं। इनसे आपको हमेशा बच के रहना चाहिए और जानबूझकर या शौक के लिए या घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसे पौधे को घर में या घर के आसपास भूल से भी ना लगाना चाहिए, वरना आपको मुसीबत झेलनी पड़ेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर कभी भी नहीं होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।